पति की मौत के बाद केजेएस सीमेंट फैक्ट्री के अधिकारियों द्वारा मृतक की पत्नी को फैक्ट्री आने पर लगाई पाबंदी। दाने दाने के लिए तरस रहे परिवार के लोग हुए आक्रोशित। केजेएस सीमेंट प्लांट मेहर में मोरी कंस्ट्रक्शन के नाम से ठेका चला रहे फूलचंद कुशवा की कुछ दिनों पहले मौत हो गई, जिसके बाद मृतक की पत्नी सुरेखा कुशवा द्वारा अपनी मोरी कंस्ट्रक्शन कंपनी के कार्यों को शुरू करने के लिए जब केजेएस सीमेंट फैक्ट्री पहुंची, तब वहां के जवाबदारों द्वारा उसे ये कहकर निकाल दिया गया कि तुम्हारे पति की मौत के बाद ही तुम्हारी कंस्ट्रक्शन कंपनी बंद हो चुकी है, अब वह चालू नहीं की जा सकती। जिसके विरोध में सुरेखा कुशवा ने अपने परिवार जनों के साथ फैक्ट्री प्रबंधन के ऊपर फैक्ट्री पहुंचकर आरोप लगाए कि उसकी कंपनी क्यों बंद की गई, जब उसके ऊपर परिवार के चार लोगों की जवाबदारी आ चुकी है। ये कौन से नियम के तहत किया गया है, अब देखना यह है कि फैक्ट्री प्रबंधन सुरेखा कुशवा को कैसे न्याय दे पाती है। शासन प्रशासन बैठा है मौन, कार्रवाई करेगा कौन? मैं सुरेखा कुशवाहा, मेरे पति फूलचंद कुशवाहा, उनका निधन हो गया सिविल हॉस्पिटल 21 अप्रैल को। उनका ठेका चलता रहा है केजीएस में मौर्या कंस्ट्रक्शन के नाम से। ठेके के लिए गए तो कंपनी वाले बोले कि आप यहाँ से यहाँ नहीं आइए, गेट वाले गेट के अंदर जाने नहीं देते, बोल रहे हैं आज नहीं कल, आज नहीं कल, ठेका आपका बंद हो चुका है, आप यहाँ नहीं आइए। विगत 5 वर्षों से चल रहा था और भैया के बच्चे 4 हैं, 2 बच्ची और 2 बच्चे हैं, जिनको ये बेचारे अकेले हो गए, भैया छोड़ के चले गए, जिसका ठेका भैया का चल रहा था केजीएस फैक्ट्री में। तो भाभी मेरी गई वहाँ कंपनी में, मेरी भी तबीयत ख़राब थी जिस कारण मैं नहीं जा पाया। भाभी जाती थी तो भाभी को पहले शुरू में तो आश्वासन दिए कि आप कागज़ वागज बनवा लो और इसके बाद आपको देखेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि ठेका मिलेगा, बंद ठेका हो गया है लेकिन फिर भी हम देखेंगे, इसी तरह मौखिक बोल के और टाल देते थे। और फिर एक दिन मुकेश चतुर्वेदी से बात हुई, भाभी गई और मैं गया, तो मुकेश चतुर्वेदी बोले कि आप ऐसा करिए कि GST बनवा लीजिए, मौर कंस्ट्रक्शन के नाम से करा लीजिए, आप प्रोपराइटर बन जाइए और फिर हम देखेंगे। तो हमने प्रोपराइटर बनवा लिया और पैसा भी हमारा खर्च हो गया। GST भैया की 2,80,000 बाकी थी, जिसको लेकर यदि ठेका नहीं मिलता मेरे भाभी को और बच्चों को नहीं मिलता है ठेका, तो वो कहाँ से बेचारे भरेंगे, आज दर दर भटकेंगे।